हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। तो क्या राकेश रोशन पर था बाहुबली का कर्ज अब चुकाएंगे इस तरह? एसएस राजामौली ने जब से बाहुबली के दो भाग बनाए हैं, कई फिल्मकारों का सपना रहा है कि वो भी ऐसी ही फिल्म बनाए। राकेश रोशन ने भी अपनी हिट क्रिश सीरीज के लिए एक बाहुबली फॉर्मूला ढूंढा है, लेकिन लगता है कि ये उन सब पर एसएस राजामौली का कर्ज था जिसे वो क्रिश के जरिए चुकाना चाहते हैं। दरअसल पिछले दिनों राकेश रोशन ने एसएस राजामौली को इस बात पर धन्यवाद दिया था कि उन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली में उनकी फिल्म करण अर्जुन के एक प्रसंग को दिखाया था। साल 1995 में रिलीज हुई करण अर्जुन में राखी के किरदार ने ये उम्मीद लगाई थी कि उनके दो बेटे सलमान खान और शाहरुख खान दोबारा जन्म लेकर वापस आएंगे और विलेन बने अमरीश पुरी को खत्म करेंगे। बाहुबली के पहले पार्ट में भी कुछ ऐसा ही था। राकेश रोशन ने जब ये फिल्म देखी तो उन्हें भी ऐसा ही लगा। बाद में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि एक बार उन्होंने राजमौली का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने करीब 100 बार करण अर्जुन देखी है। माँ का अपने बेटे के लिए तड़पना और ये उम्मीद करना कि एक दिन वो आकर उन्हें मुक्ति दिलाएगा और दुश्मनों का खात्मा करेगा, ये राजामौली के दिमाग में करण अर्जुन की ही देन हो सकती है। राकेश रोशन ने इसके लिए राजामौली का धन्यवाद भी किया। अब सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि काफी समय से खबरें आ रही हैं कि राकेश रोशन बाहुबली के दो भागों की तरह अपने क्रिश सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याद होगा कि इस साल जनवरी में जब ऋतिक रोशन ने अपना 44वां जन्मदिन मनाया तो पापा राकेश रोशन ने उन्हें क्रिश के चौथे भाग की घोषणा कर तोहफा दिया। खबर है कि क्रिश को अब बाहुबली की तरह एक साथ दो भागों में बनाया जाएगा। बताया जाता है कि क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ लिखा जा रहा है और उसे एक साथ बनाकर कुछ अंतराल के बाद रिलीज किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे बाहुबली पहले भाग को द बिगनिंग और दूसरे को कंक्लूजन के नाम से रिलीज किया था। इस साल क्रिश की घोषणा के समय राकेश रोशन ने बताया था कि चौथी कड़ी 2020 में क्रिसमस के मौके पर आएगी। हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर जिस तरह की प्रगति है उससे लगता है कि फिल्म और आगे बढ़ सकती है। अभी ऋतिक सुपर 30 में काम कर रहे हैं। सुपर 30 कोचिंग क्लास चलाने वाले की कहानी है। ऋतिक टाइगर श्रॉफ के साथ भी एक फिल्म में काम करने वाले हैं। क्रिस सीरीज की शुरुआत 2003 में हुई, लेकिन पहले भाग का नाम कोई मिल गया रखा गया था। साल 2006 में क्रिश के नाम से फिल्म आई, लेकिन उसके टाइटल में 2 नहीं जोड़ा गया था। साल 2013 में क्रिश 3 बनी, तीनों ही भाग हिट रहे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? जिस तरह से बाहुबली हिट हुई, क्या उसी तरह से क्रिश सीरीज की आने वाली फिल्में हिट हो पाएंगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।